आज हम बात करेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के बारे में, यानी फिजिकल रिलेशन बनाते समय यानी बनाने से पहले ही अगर आप डिस्चार्ज रहते हैं तो उसके कुछ देसी नुस्खे मैं बताने वाला हूं, और इसमें देसी दवाई भी बताऊंगा बाद में कि इसे खा करके आप कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, और शीघ्र पतन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कब माना जाता है, कब ये प्रॉब्लम हमको समझनी चाहिए कि हाँ ये दिक्कत है। तो इसी को आज हम समझेंगे। हमारे खान आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के बारे में। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं भाई शीघ्र पतन क्या है। शीघ्र पतन गाइज, अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाने वाले होते हैं और बनाने से पहले ही आप अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं या फिर आप 5-10 सेकंड में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन बोला जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाने की सोच रहे हैं और आपके जो पेनिस में अच्छे से इरेक्शन आया भी नहीं है, तनाव अच्छे से आया भी नहीं होता है और आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसे भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कब मानी जाती है, अगर आपके साथ ये दिक्कत बार बार हो रही है, आपकी अगर शादी हो गई है, ये प्रॉब्लम जो है आपके साथ बार बार होती जा रही है, तब ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन माना जाता है। अगर आप किसी डर में हैं, किसी बात के टेंशन है, या फिर डर की वजह से कई ऐसी जगह पर आप जो रिलेशन बना रहे हैं, फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, जो आपको बार बार किसी चीज़ का डर है कोई आना जाए इस टाइप से, और ये प्रॉब्लम होती है आपका जो है डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, तो उसी को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन बोलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई, हमने शॉर्ट में समझा दिया क्या होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। अब समझेंगे हम ये किस कारण से होता है, ये किस वजह से होता है। तो वैसे तो मैंने इसमें इंक्लूड कर चुका हूँ कि किस वजह से होता है। अगर आप रिलेशन बनाते टाइम किसी बात का डर है, किसी बात का स्ट्रेस है, तनाव है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी मेंटेलिटी ऐसी आप पहले से ये सोच के बैठे हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप पहले से सोच लेते हैं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, फोर पीले करते ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, है ना, वहाँ फिजिकल रिलेशन बना भी नहीं पाते होते हैं। ठीक है, और गाइज मेस्टुवेशन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, और आप किसी सेफ जगह पे ये फिजिकल रिलेशन यानी के संबंध नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सेफ जगह पर डर है मन में किसी बात का, या फिर आपको कोई बीमारी है अंदरूनी, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। अगर आप में बहुत ज़्यादा मोटापा है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये इसके कुछ कारण होते हैं। तो गाइज अब बात करेंगे हम इसके देसी घरेलू नुस्खे के बारे में। तो इसमें 5-10 खजूर आपको दूध में उबाल करके लेना रहता है। सुबह और शाम आप इसको लेंगे तो कुछ दिन में यानी कि 1 महीने या 1.5 महीने में ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो भी मैं ये बता रहा हूँ इसमें से एक ही नुस्खा आपको अपनाना रहेगा। 5-8 बादाम लेकर जो है 24 घंटे के लिए आपको पानी में डाल देने रहते हैं, और बाद में इनके छिलकों को हटा करके आपको 1 चम्मच देसी घी जो होता है उसमें भून करके और ऊपर से दूध डाल देना होता है। 10-15 मिनट तक इसको उबालना रहता है। 10-15 मिनट जब ये उबल जाए तो इसको दूध के साथ में ही लेना रहता है। तो ऐसा अगर आप सुबह को खाली पेट इसको ये यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी दूर हो जाएगी। या फिर गाइज आप 1 चम्मच मिश्री और 1 चम्मच जो है आंवले का चूर्ण एक साथ सुबह शाम खाएंगे दूध के साथ में, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और गाइज अंजीर के 2 पके हुए फल सुबह और शाम आपको खाने रहते हैं, तो ये अगर आप इसका भी सेवन करेंगे तो ये प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगी। अगर ये प्रॉब्लम है तो कुछ दिन आप इसको खाएंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण और 1 चम्मच शहद 2 चम्मच देसी घी के साथ सुबह शाम खाने से भी ये प्रॉब्लम आपकी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की दूर हो जाएगी। और गाय 10 ग्राम कच्चे नारियल को आप अगर गाय के दूध के साथ खाएंगे तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की प्रॉब्लम कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब आपको यूज़ करना रहता है। और इसमें मैं बता देता हूँ कुछ मेडिसिन जो कि देसी जड़ी बूटियों से बनी हुई होती हैं, इसको अगर आप खाएंगे तो इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है ये नुस्खे नहीं अपनाते, कैप्सूल फॉर्म में या जो टेबलेट फॉर्म में खाना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिवाइन आनंद प्लस कैप्सूल आता है, तो इस कैप्सूल को जो है आप सुबह शाम जो है दूध के साथ खा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। शीघ्र पतन ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की अगर एक प्रॉब्लम है तभी इस जो कैप्सूल को खाएं। और गाइस यहाँ पे डाबर का आता है स्टिमुलेक्स कैप्सूल, तो डाबर का स्टिमुलेक्स कैप्सूल को भी आप जो है दूध के साथ सेवन करते हैं एक टाइम या सुबह शाम। ठीक, और वैद्यनाथ का यहाँ पे कैप्सूल आता है गाइस बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल, तो बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल भी आप दूध के साथ सुबह शाम ही एक टाइम खाएंगे तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो ये सब अगर आप अपनाएंगे जो मैंने आपको बताया है तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आपको नहीं रहेगा या होगा तो ठीक हो जाएगा। तो वीडियो में ये सब मैंने जानकारी दे दी है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।